हेलो भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर। टुडे विल बी डिस्कस और टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, ड्राई एंड फ्रेश। ड्राई सिंपल फ्रूट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इंडिहेसेंट, डिहेसेंट एंड सीजोकार्पिक। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट फ्लेशी। फ्लेशी सिंपल फ्रूट के बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि सिंपल फ्लेशी फ्रूट क्या है और इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो बिना लेट किए हुए अपने मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फ्लेशी सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट तो फ्लेशी का यहाँ पर अर्थ है गुद्देदार, जो मांसल, हिंदी में हम बोल सकते हैं मांसल। मांसल माने जिसमें गुद्दे होते हैं, जैसे मान लिया जाए आम है, गुद्देदार है, टमाटर है, लीची है, क्या कहिए, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जो है आपका फ्लेशी होते हैं। और ये मैच्योर होने के बाद भी जो है बर्स्ट नहीं करते हैं। उधर हम लोग देखे थे सिंपल फ्रूट का ही कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन आपका डिहेसेंट भी होते हैं और कुछ इंडिहेसेंट थे। डिहेसेंट का मतलब हुआ था कि नेचुरली बर्स्ट, और इंडिहेसेंट का मतलब मैच्योर होने के बाद भी जो है वो आपका बर्स्ट नहीं करता था, फटता नहीं। तो फ्लेशी फ्रूट जो भी होते हैं वो भी जो है आपका वर्स्ट नहीं होते हैं। तो मेनली रूप से देखेंगे फ्लेशी सिंपल फ्रूट। फ्लेशी सिंपल फ्रूट जो है मेनली रूप से फ्रूट में थ्री पार्ट्स होते हैं। थ्री पार्ट्स का मतलब जो आपका यहाँ पर मेनली रूप से है, फर्स्ट आप एपिकार्प, जो आपका आउटर पार्ट होता है मेनली रूप से, और दूसरा जो है मेसोकार्प होता है, जिसको हम मिडिल पार्ट, ये जो होते हैं स्मूथ और लीदरी, जनरली ये स्मूथ भी होते हैं और लीदरी, चर्मवत, चमड़े की तरह मोटा और चिकना भी, पतला भी, थीन भी होता है स्मूथ, थीन, स्मूथ और लीदरी। ये आपका लीदरी मिडिल पार्ट जो है वो आपका क्या होते हैं, फ्लेशी होते हैं और फाइबरस, रेशेदार होते हैं, फ्लेशी हो सकते हैं, गुद्देदार होते हैं। तीसरा जो ये पार्ट है आपका इंडोकार्प है। इंडोकार्प, इंडोकार्प का मतलब बिल्कुल जो है इनर पार्ट होता है, अंदर का भाग होता है, ये आपका बाय, मिडिल मतलब मध्य और अंत।
ये जो होते हैं जनरली स्टोनी और हार्ड। स्टोनी और हार्ड का मतलब है ये स्टोन लाइक पत्थर की तरह वो आपको हार्ड होते हैं, स्टोनी और हार्ड। तो ये जनरली है ना, ये आपका फ्लैशी जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो आपका मोस्टली ये आपका डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प आपका आउटर पार्ट जो आपका बाहरी छिलका बोलते हैं, आपका ये मिडिल गुद्देदार होता है, फ्लैशी होता है, फाइब्रस भी होते हैं, रेशा के रूप में भी होता है। और ये जो है इनर पार्ट होते हैं, स्टोनी होते हैं और हार्ड होते हैं जनरली। अब फ्लैशी सिंपल फ्रूट का भी जो है अब आपका टाइप से इसका भी जो है टाइप्स, टाइप में फर्स्ट जो है आपका बेरीज, बेरीज, बेरी टाइप ऑफ जो फ्रूट होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। बेरी का मतलब ही होता है आपका सॉफ्ट, मतलब आपका इसमें आ जाएगा टोमेटो, ब्रिंजल भी आ जाते हैं ये आपका। तो ये बेरी जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी भी होते हैं और आपका वन और मैनी सीडेड भी होते हैं, मैनी सीडेड। और ये आपका बाई कार पे लगे होते हैं, यानी बाई कार पे लगे और टू कार्पल्स होते हैं या बाई लोक्यूलर भी होते हैं। तो इस तरह से आपका ये बेरीज। दूसरा इसका जो टाइप है वो है आपका हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का एग्जांपल जो है जितने भी आपका साइट्रस रूटेशी फैमिली का सबसे साइट्रस ग्रुप का माने आपका नारंगी, संतरा, नींबू वगैरह ये सब जो है आपका साइट्रस, मतलब आपका लेमन ये सब आपका हो, ऑरेंज ये सब जो है हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो आपका जूसी होता है। इसमें प्लेसेंटी जो है आपका बिल्कुल बीच सेंटर में इस तरह से होते हैं ये आपका ही है। और इस तरह से और इसमें जो है इस तरह से सीड्स अरेंज होते हैं। इसका भाग जो है प्लेसेंटा चूंकि सीड से लगा होता है ना, ये आपका इस तरह से भाग और ये भाग ही जो है सो आपका जूसी होता है। जूसी प्लेसेंटा इसमें जो है आपका पाया जाता है, जो आपका क्या होता है एडिबल होता है, एडिबल। और इसका जो एपिकार्प होता है, एपिकार्प वो आपका लीदरी होता है, चर्मवत होता है और आपका वाइल्ड ग्लैंडेड होते हैं, माने उसमें आपका वाइल्ड ग्लैंडेड सेंटेड होता है ग्लैंड, जिससे आपका ये इस तरह से तेल का। तो लेमन, ऑरेंज ये सब जो है आपका हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आता है। तो इसका एडिबल पार्ट जो हुआ आपका जूसी प्लेसेंटा, नींबू का, ऑरेंज का ये भाग। तो सेकेंड टाइप जो है हेस्पेरिडियम। है पीपो, पीपो के अंतर्गत का मतलब होता है आपका
सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कुकुरबिटेसी फैमिली जितने भी हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत जो भी प्लांट्स हैं, जैसे पंपकिन, कुकुम्बर, बीटर गार्ड, स्नेक गार्ड, ये सब जो है करेला, झिंगी, नेनुआ या परोर जिसको बोलते हैं, ये सार, कोहड़ा, तरबुज्जा है ना, वाटरमिलन, ककड़ी, ये सब सारे जो हैं आपका कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हैं जनरली सारे जो टाइप ऑफ रूट होते हैं वो आपका पीपल, ये जो है आपका लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, और मोस्टली ये जो है आपका ट्राइकार्पेलरी होते हैं, थ्री कार्पेल्स होते हैं, ट्राइकार्पेलरी से डेवलप। जनरली हम लोग देखते हैं अगर खीरा ककड़ी को इस भाग में बांटते हैं तो ये आपका तीन भाग में ये जनरली इस तरह से डिवाइडेड रहता है, यहाँ पर सीड जो है अरेंज रहता है, ये आपका ट्राइकार्पेलरी कंडीशन होते हैं। और आपका मैनी सीडेड, मैनी सीडेड ये होता है। और इसका जो है इपिकार्प और मेसोकार्प बिल्कुल आसानी से अलग नहीं होते हैं जिस तरह से और दूसरे फ्रूट्स में होते हैं, उतना डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका ऑल पार्ट जो होते हैं इसका एडेबल होते हैं एज ए वेजिटेबल्स और फ्रूट के रूप में। तो ये आपका पीपो। ड्रूप, ड्रूप का एग्जांपल जो है आपका मैंगो, कोकोनट, ये भी जो है आपका सिंपल फ्रूट है और ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, तो इसके अंतर्गत ये आपका ड्रूप में जो है आपका मैंगो और कोकोनट्स आते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपका डिस्टिंग्विश्ड इनटू आपका इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ये आपका एंडोकार्प। इसमें जनरली जो है ये तीन भाग में डिवाइडेड होता है, और इसमें जो है मेनली रूप से मैंगो में आपका वन सीडेड होता है, मेसोकार्प जो होता है फ्लैशी एंड ये आपका फाइबरस, ये आपका फाइबरस होता है जैसे दाल होता है। तो ये आपका मैंगो है। कोकोनट, कोकोनट का मतलब हुआ आपका यहाँ पर नारियल, नारियल भी जो है आपका ये ड्रूप फ्रूट है, लेकिन इसका जो एडिबल पार्ट है यहाँ पर वो हम लोग इंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं, इंडोस्पर्म भ्रूण पोष, इसमें अधिक मात्रा में जो है सो जमा रह जाते हैं इम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में। तो इसका एडिबल पार्ट जो है आपका याद रखना चाहिए कोकोनट का एंडोस्पर्म, और मैंगो का एडिबल पार्ट क्या हुआ मेसोकार्प जो आपका फ्लैशी एंड फाइबरस और ये गुद्देदार होते हैं। तो ड्रूप फ्रूट के अंतर्गत मैंगो एंड कोकोनट एग्जांपल्स आते हैं। ये आपका ब्लास्टा का एग्जांपल जो है पोमग्रेनेट, जिसको हम लोग अनार बोलते हैं, और अनार जो है ये आपका टाइप ऑफ फ्लैशी सिंपल फ्रूट है जिसका मेनली रूप से जो एडिबल होता है वो उसका सीड पार्ट को हम लोग खाते हैं, और सीड का जो है मेनली रूप से पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे टेस्टाइन टेगमेंट होता है, सबसे आउटर पार्ट जो होता है
सीड का, वो आपका टेस्टा कहलाता है, उसके नीचे मेम्ब्रेनस थिन पेपर लाइक लेयर होता है जो टेगमेन कहलाता है। तो हम लोग अनार पोमग्रेनेट का जो भाग खाते हैं, लाल रंग का जो सीड होता है रेड कलर में, उसका ऊपरी भाग को कहते हैं, उसको हम आसानी से इंडोकार्प, इंडोकार्प तो है ही लेकिन उसका जो ऊपरी भाग है टेस्टा, जैसे वाले चना है तो चना का ऊपरी भाग जो ब्राउन कलर का है वो टेस्टा कहलाता है। जब उसको चने में वाटर में हम भिंगो देते हैं तो वो आसानी से अलग हो जाता है, वही आपका टेस्टा भाग हुआ है। तो पोमग्रेनेट में ऊपर वाला जो रेड पोर्शन है वो आपका टेस्टा होता है, जो सीड का ही वह भाग है। तो इसका जो एडेबल पार्ट है वो आपका मैंने रूप से जानना चाहिए, एडेबल पार्ट आपका टेस्टा, और टेस्टा है क्या जी, आउटर पार्ट ऑफ सीड, आउटर पार्ट ऑफ सीड, आउटर पार्ट ऑफ सीड मेनली रूप से वही खाते हैं, लेकिन वो सीड का फिर पूरा भाग खा जाते हैं क्योंकि वो आसानी से जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका जो एडेबल पार्ट है वो आपका ये जो है आपका फ्लैशी होते हैं डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, आपका डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, चैम्बर्स में जो है आपका डिवाइडेड होता है कई भाग, खंड में होता है। तो ये आपका ब्लास्टा मेनली रूप से हुआ। नेक्स्ट टाइप है एम्फिसारिका, इसका आपका है बेल जिसको बोलते हैं बेल, इसका जो मेनली रूप से पार्ट होता है आफ्टर ये आपका उड्डी और हार्ड होता है, उड्डी एंड हार्ड होता है, जो आपका कौन सा ये भाग हुआ एपिकार्प, एपिकार्प का ही जो निचला पोर्शन होता है वो जो है आपका एडिबुल होता है। बेल का एडिबुल पार्ट एपिकार्प के जस्ट इनर लेयर, एपिकार्प का इनर लेयर जो है वो उसका फ्लैशी होता है, और इसका जो प्लेसेंटा है, क्योंकि पूरे फ्रूट में आपका सीड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सीड डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब आपका वो इसका प्लेसेंटी, प्लेसेंटा जिसे सीड अटैच्ड होता है वो आपका यहाँ पर एडिबल है। तो एपिकार्प का जस्ट नीचे वाला लेयर फ्लैशी, तो इसमें जो है आपका क्या होता है ये फ्लैशी होते हैं, मैनी सीडेड होते हैं, मैनी सीडेड मतलब बहुत सारे फ्लैशी, और आपका एपिकार्प का लोअर पार्ट फ्लैशी होता है जो एडिबल होता है, एडिबल होता है माने खाने योग्य होता है। इसका मतलब हम एम्फिसारिका से होता है, ये होता है एम्फिसारिका, बेल का कौन सा पार्ट हम खाते हैं तो जस्ट ये बोलना होगा कि एपिकार्प का लोअर पोर्शन या उसका इनर पार्ट जो है वो आपका फ्लैशी और गुद्देदार होते हैं, जिस भाग को हम लोग यूज करते हैं। इसमें आपका मेनी सीडेड पूरे फ्रूट में सीड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एपिकार्प का निचला भाग और भी बोल सकते हैं कि प्लेसेंटे, इसका भी जो है सो प्लेसेंटा ही हम लोग यूज करते हैं। एक और फ्रूट है जिसको हम लोग पोम बोलते हैं, तो पोम के अंतर्गत आपका एप्पल, और एप्पल जो है तो आपका एक
फॉल्स फ्रूट है और इसका डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट थैलामस होता है जो फ्लेशी होता है, गुदेदार फ्लेशी होता है। थैलामस पार्ट एडिबल होता है, ये आपका एडिबल होता है। तो ये आपका फॉल्स फ्रूट है जो आपका एप्पल है, मतलब आपका फ्लावर्स से यह डेवलप नहीं होता है बल्कि अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से यह डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट ये बोल रहे हैं। तो फॉल्स फ्रूट का इसमें इस टाइप के फ्रूट को हम पॉम बोलते हैं, ये हुआ। तो ये आपका इस तरह से सिंपल फ्रूट जो है आपका समाप्त हुआ। दूसरा जो टाइप है फ्रूट का वो है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स में उतना नहीं जानना है, सिर्फ ये आपका ये सिंपल फ्रूट का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन इसमें जो है आपका पॉलीकार्पस एंड एपोकार्पस ओवरी से डेवलप्ड होता है। एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स फ्री, कार्पेल्स जो है इसमें आपका फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, ओवरी से होता है, इसलिए इसमें जो है ये गुच्छे के रूप में होते हैं, ये बंच के रूप में होते हैं, जो फ्रूटलेट कहलाते हैं। एक यूनिट को यहाँ पर फ्रूटलेट कहलाते हैं। तो फ्रूटलेट इज द यूनिट ऑफ फ्रूट। अंगूर है, अंगूर का एक दाना फ्रूटलेट हुआ तो वो टोटल गुच्छा जो है फ्रूट कहलाता है। तो जिस तरह से वो अलग अलग रूप में होते हैं वो आपका एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं, और उसमें सारे कार्पेल्स जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जो आपका फ्रूटलेट के रूप में दिखाई पड़ता है अलग अलग। तो एक यूनिट को हम यहाँ पर फ्रूटलेट्स कहते हैं, जो आपका यूनिट ऑफ फ्रूट होता है। तो एग्रीगेट फ्रूट जो है मेनली रूप से सिंपल फ्रूट का ही टाइप है, लेकिन सिर्फ इसमें है कि मल्टी कार्पेलरी होते हैं, मेनी कार्पेल्स होते हैं, और वह सारे कार्पेल्स अलग अलग होते हैं। एपोकार्पस और सिंकार्पस टू टाइप्स ऑफ ओवरी होते हैं। जब ओवरी जब एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं तो सिंकार्पस कहलाता है, और जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं तो एपोकार्पस कहलाता है। तो ये मेनली रूप से जानना है कि एग्रीगेट फ्रूट जो है पॉलीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी से यह डेवलप्ड होता है, यही मूल रूप से ये जानना है। तीसरा आप टाइप इसमें देखेंगे, तीसरा जो टाइप है फ्रूट का वो है आपका कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट का मतलब आपका संयुक्त फल का डेवलपमेंट जो होता है वह मेनली इनफ्लोरिसेंस से होता है। इसका डेवलपमेंट इनफ्लोरिसेंस मतलब आपका पुष्पक्रम से होता है। इसका जो आपका एक्सिस है, एक्सिस फ्लोरल एक्सिस, जिस पर आपका फ्लावर्स जो है ये आपका इस तरह से अरेंज होते हैं, जो सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, ये भाग ही जो है मेनली रूप से यह आपका गुदेदार हो जाते हैं। एक्सिस पार्ट फ्लेशी हो जाते हैं ये आपका। तो इस तरह की आपका कंपोजिट फ्रूट जो है, खास करके कैटकिन, इसका जो डेवलपमेंट होता है कैटकिन इनफ्लोरिसेंस है, उसका
और स्पेडिक्स इनफ्लोरेशन से होता है। एन एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कैट कीन एंड स्पेडिक्स इनफ्लोरेशंस, ये आपका टाइप ऑफ इनफ्लोरेशंस है कैट कीन एंड स्पेडिक्स, और स्पेशल टाइप ऑफ हाइपैंथोडियम, एक आपका इस हाइपैंथोडियम ये स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेशंस है जो आपका ये सब इनफ्लोरेशंस जो है आपका एडिबल हो जाता है, कैटेकिन स्पेडिक्स एंड हाइपैंथोडियम, ये आपका तीनों जो है एक इनफ्लोरेशंस का टाइप है और ये स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेशंस होता है। तो इसी का मॉडिफाइड हो करके आपका जो है से आपका फ्रूट बनता है जो आपका कंपोजिट फ्रूट कहलाता है। तो इसका जो है सो फिर टाइप देखते हैं, फर्स्ट टाइप जो है आपका सोरोसिस, सोरोसिस का एग्जांपल जो है आपका जैक फ्रूट का मतलब आपका कटहल। कटहल में हम लोग देखते क्या है इस तरह से, ये आपका फ्लोरल एक्सिस है इनफ्लोरेशंस का, और इसमें जो है सेसाइल फ्लावर्स इस तरह से आपका लगा होता है इस तरह से, और ये भाग जो है आपका एडिबल होता है, ये आपका फ्लोरल एक्सिस हुआ और ये आपका सेसाइल फ्लावर है, सेसाइल फ्लावर, और ये जो है आपका कॉम्पैक्ट हो करके जो है सो एक आपका फ्रूट का निर्माण करता है इस तरह से आपका जो है ये आपका कटहल, इस तरह के फ्रूट को हम सोरोसिस टाइप कहते हैं जो आपका जैक फ्रूट कहलाता है, कटहल कहलाता है। तो ये कटहल टाइप ऑफ फ्रूट जो कंपोजिट फ्रूट होता है, इसका डेवलपमेंट फ्लोरल एक्सिस के फ्लैशी होने से इसका डेवलपमेंट होता है, जो आपका इस तरह से हम इसका इनफ्लोरेशंस भाग को ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये टाइप हुआ सोरोसिस। दूसरा टाइप है साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट का एग्जांपल जो है आपका फिकस स्पीसी जो है, फिकस स्पीसी में होता है, फिकस स्पीसी का मतलब आपका गुलर, बरगद, बनियान, पीपल, ये सब में जो है इस तरह का फ्रूट होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेशन हाइपैंथोडियम, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेशंस हाइपैंथोडियम से होता है, हाइपैंथोडियम से होता है। तो ये आपका साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट हुआ। इस तरह से आज के सेशन में हम लोग टाइप ऑफ फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट को डिटेल में अध्ययन किया। इसमें मेनली रूप से जो ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्स वो सिंपल फ्रूट था, सिंपल फ्रूट को पहले ड्राई और फ्रेशी में बांटा, ड्राई को फिर डिहिसेंट, इनडिहिसेंट एंड सिजोकार्पिक में बांटा, फिर वो सब का सारा टाइप देखे, इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा जो टाइप ऑफ फ्रूट था वो कंपोजिट फ्रूट था जिसमें आपका मेनली रूप से दो तरह के फ्रूट हुआ, एक आपका साइकोनस और दूसरा जो था वो आपका सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट था जो जैक फ्रूट है। तो इसमें मेनली रूप से यह जो चैप्टर है वो आपका कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कौन फ्रूट किस तरह के, जैसे आपका जैक फ्रूट का एग्जांपल कि किस टाइप का फ्रूट है, सोरोसिस है या आपका साइकोनस है या और अदर, उसी तरह से कोकोनट है, मैंगो है,
किस तरह का पुरुष है, ड्रूप है, पोम है, बेली है, स्प्रेडियम है, इस तरह से आपका बेल जो है किस तरह का एग्जाम्पल टाइप ऑफ फ्रूट है। तो दूसरा जो क्वेश्चन इस पार्ट से मेनली रूप से पूछता है कि कौन सा फ्रूट का हम लोग कौन सा भाग यूज करते हैं, खाने एडिबल क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जनरली समझ लेते हैं कि कौन पार्ट खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा फ्रूट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन पैदा करता है, जैसे आपका पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट बताया है कि सीड के ऊपर जो है सीड कोट होता है जो आपका एडिबल होता है, ये बात को याद रखना है। दूसरा जो है आपका कि कोकोनट है, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है, तो इसका एंडोस्पर्म होता है जो आपका एडिबल होता है। तो संतरा है, नींबू है, ऑरेंज है, इसका जो एडिबल पार्ट क्या होता है, तो जूसी प्लेसेंटा होता है। लीची है, लीची भी एक टाइप ऑफ फ्रूट है जिसका ऊपर सीड के ऊपर आपका एक आउटर कवरिंग होता है, उस भाग को यूज करते हैं, तो उसका जो उस भाग को हम लोग बोलते हैं एरिल। लीची का खाने योग्य जो भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है, उसे एरिल बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट होते हैं जो एडेबल होता है, जो जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वह आपका पूछा जाता है। सेब है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका थैलामस भाग होता है। पुष्पाशन जो होता है, हिंदी में पुष्पाशन बोलते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं है बल्कि आपका सारे पार्ट ऑफ फ्लावर उस थैलामस भाग पर ही वह प्रेजेंट होता है, वो आपका थैलामस का लगता है, और वही भाग जब फ्लेशी हो जाता है जो सेव का हम लोग भाग को खाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मेनली रूप से डिटेल में फ्रूट्स एंड देयर टाइप्स और उसका जो एडेबल पार्ट क्या होता है हम लोग डिटेल में अध्ययन किए, और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया या है तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच शेयर अवश्य करें।